सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं हरपाल कौर, नूर किचन चैनल तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। असीं अज बना रहे हां बचे हुए चावलों की रैसपी, बहुत ही जिहड़ी टेस्टी ते कुरकुरी बन के तैयार होंदी है। जिस तरह साडे चावल बन जांदे आ ते असीं जिहड़े सोचदे आ की बनाउणा, ते असीं अज दा जिहड़े नाश्ता बना रहे हां बहुत ही टेस्टी जिहड़े बन के तैयार होएगा। ते इस रैसपी सिखण नूं नाल लई साडे नाल शुरू तों लैके एंड तक वीडियो दे नाल जुड़े रहना। ते इह रैसपी जिहड़ी आ बहुत ही टेस्टी बनदी आ। सवेर की शाम तो चलो शुरू करते हैं रैसपी बनाना। ये असं जी एक कटोरी जी उबले हुए चावल जोड़े बचे हुए चावल साढ़े रात दे ले हूँ असं इसलिए एक मिकसिंग बोल के पा देवे चावलों। हूँ असं एक मीडियम साइज का बरीक कटिया हुआ प्याज जोड़ा असं वो पा देवे, नाल ही दो हरी मिर्चा कट्टिया हुई जी बरीक असं वही पा दी, तो दो आलू जोड़े उबा बॉयल किए थे वह भी पा देवे। ये जो सा पकौड़े अंदरों सॉफ्ट बन के तैयार हो गए। एक चम्मच जो असी लसन अदरक का पेस्ट जोड़ा असी वो पा दिता, ये फ्लेवर बहुत वधिया आता विच पकौड़िया। हाफ चम्मच जो असी अनारदाना ये पाया वा, हाफ चम्मच जो असी अमचूर पाउडर पाया, ये जो पकौड़े आ खट्टे बन चटपटे बन के तैयार हो गए। हाफ चम्मच जो असी काली मिर्च का पाउडर पाया ये, तो हाफ चम्मच साबुत जीरा ये ऐड करांगे, तो एक चम्मच जो असं धनिया पाउडर ये ऐड करांगे, तो हाफ चम्मच जो असं चाट मसाला ये ऐड किया जिद ना साडे पकौड़े चटपटे बन गए, तो हाफ चम्मच जो असं हल्दी पाउडर पाया जिद ना साडे पकौड़े कलर बड़ा वधिया आएगा, तो एक चम्मच जो असी नमक का पाया। नमक तुसीं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लै सकते जे वध घट, तो थोड़ी जी असी चिली फ्लेवर ये ऐड कर दिती है, तो नाल ही असी पुदीने दियां थोड़ी पत्तियां लईआं सी जिन्हां नूं असी बरीक कट के असी ऐड कर दिता वा। हुण असी इहदे विच बाइंडिंग वास्ते तीन चम्मच जिहड़े बेसन दे लवांगे, जेकर सानूं जरूरत पवेगी तो असी होर बेसन दे विच ऐड कर लवांगे। हुण चलो असी सारे चीज़ां नूं मिक्स कर लैंदे हां। इसनों असी हत्थां नाल जिहड़े आलूआं नूं मैश करके चंगी तरह मिक्स करांगे सारे मसालियां दे नाल। ते चंगी तरह असी जिहड़ा दा सॉफ्ट जिहड़ा एक डो जिहड़ा पकौड़ियां दा तैयार कर लेना वा। असी हत्थां नाल चंगी तरह इहनां नूं सारिआं नूं मिक्स करके लो साडा जिहड़ा सॉफ्ट एक डो जिहड़ा बन के पकौड़ियां दा तैयार हो चुका वा। थोड़ा जिहा असी इहदे विच सानू डो थोड़ा पतला लगता पाया, थोड़ा जिहा असीं इहदे विच एक चम्मच जिहड़ा असीं बेसन का होर ऐड कर रहे हैं। हुण देखो साडा डो जिहड़ा परफेक्ट तैयार हो गया वा। हुण असीं इक पैन दे विच जिहड़ा ऑयल गर्म करन लई पहला रखता सी ते इहदे विच असीं जिहड़े पकौड़े आ नाल नाल असीं जिहड़े चावलां दे पाई जावांगे, जिन्ने विच पैणगे असीं पैन दे विच असीं उन्ने ही पाउणे आ, ज़्यादा नहीं पाउणे नहीं ते आपस विच चिपक जाणगे। तो असी इन्हों गोल्डन कलर होने तक जो एक साइड जी वो तक इन्हों पकावे विच फ्राई करना वा। हूँ देखो इन्हें जी साइड आ गोल्डन कलर की होनी शुरू हो चुकी है, तो नाल नाल असी हूँ इन्हों जी इन साइड जी हूँ असी इन्हों पकौड़े जो इन साइड चेंज करांगे। इन्हां दी एक साइड जिहड़ी गोल्डन कलर की हो चुकी है, तो इन्हां दी गैस दी फ्लेम असी मीडियम ही रखनी है, नहीं तो साडे पकौड़े जिहड़े आ उपरों चंगी तरह फ्राई हो जाएंगे तो विचों साडे कच्चे रह जाएंगे, इसलिए असी मीडियम फ्लेम के उपर ही इन्हां नूं फ्राई करना वा ताकि उपरों चंगी तरह कुरकरे हो जाए तो अंदरों सॉफ्ट रहन। साडे पकौड़े जिहड़े बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हुण असी इन्हां नूं प्लेट विच बाहर कढ लवांगे। लो साडे पकौड़े बन के बिल्कुल तैयार आ। इस नूं तुसीं सवेर दी शाम दी चाह दे नाल तुसीं लै सकदे जे ते किसी भी चटनी दे नाल तुसीं इन्हां नूं तुसीं खा सकदे जे। बहुत ही देखो सानूं मैं तोड़ के दिखाने चावल दे पकौड़े जिहड़े आ बाहरों कितने कुरकरे ते अंदरों बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होए आ, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बन के तैयार होए आ।
जेकर तुहानू साडी अज्ज दी रैसपी पसंद आई तां वध तों वध लाइक शेयर जरूर करना ते जेकर तुसीं चैनल ते नवें ते चैनल नूं सबसक्राइब भी जरूर करना ते नाल लगदी बैल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जिहड़ी साडी नवीं रैसपी दी वीडियो आवे उहदा नोटिफिकेशन तुहानू सब तों पहलां मिल सके। तां फिर मिलांगे इक डिलीशियस जी रैसपी दे नाल, तद तक लई सारिआं नूं सति श्री अकाल।